हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं देखिए अपनी रसोई में क्या बनाती हूँ। मैंने आलू उबाल लिया था। आलू उबालने के बाद छील के इसको मिक्स कर लिया। इसमें अदरक लहसुन हमने कूट लिया है थोड़ा सा। आज मैं बनाऊँगी ब्रेड पकौड़ा। कढ़ाई में हमने तेल डाला, मेथी डाला, थोड़ा सा जीरा डाला है, जीरा डाला है हमने थोड़ा सा, और इसी में थोड़ा सा मसाला डालेंगे। हल्दी तेल में डालने से बहुत अच्छी तरह से पक जाती है तो बहुत अच्छा कलर आता है। हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। दो चम्मच हमने अमचूर पाउडर डाला है, और लहसुन, हरी मिर्च हमने जो खल में कूटा था उसको डाला है। आलू मिक्स करके रख लिया था, अब मैं उसको डाल के चलाऊंगी। खूब अच्छी तरह से भून लूंगी। आज मैं बनाऊंगी ब्रेड पकौड़ा। आलू को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें टेस्ट के अनुसार हम नमक डालेंगे। ये मेरी आलू तैयार हो गई है। अब मैं जो है थोड़ा सा बेसन का घोल बनाऊंगी। जितनी हमकी आवश्यकता है हम उतना ही बेसन लेंगे। एक चम्मच मैंने हल्दी डाली है, एक चम्मच गरम मसाला डालूंगी इसमें, और थोड़ा सा जीरा डालूंगी। ये जीरा डाला है हमने। ये गरम मसाला हम डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ी सी हमने हींग डाली। हींग से जो है बेसन में डाल दीजिए, थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। अब इसको सारा मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल के घोल बनाऊँगी। अपने टेस्ट के अनुसार हमने नमक डाला है। इसका पेस्ट ना ज़्यादा गीला होना चाहिए ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए, एक बराबर से रहना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाइए तो जो है ये इसमें गुलथी नहीं पड़ती है और बराबर से मिल जाता है खूब अच्छी तरह से। और मैं इसको बना के रख दिया थोड़ी देर के लिए, और मेरी आलू भी भुन गई थी। देखिए अब इसको थोड़ा थाली में निकाल दूँगी, ठंडी हो जाएगी। और अब मैं ब्रेड को काट के नहीं बनाऊंगी, ऐसे सादे सादे ब्रेड रहेंगे। इसमें आलू को अच्छी तरीके से भर दूंगी, मतलब अच्छे से लगा दूंगी। और लगाने के बाद इसी के ऊपर एक ब्रेड और रख दूंगी। उसके बाद इसको सारा बना लेंगे, बना के रख लेंगे थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरीके से। तो इसको बेसन में मिला के कढ़ाई में हमने तेल डाल के रख दिया था। कढ़ाई मेरी एक तरफ हो रही थी, अब मैं एक एक ठो इसी में डाल रही हूँ। ना ज़्यादा मोटा इसका पेस्ट रहना चाहिए ना ज़्यादा पतला, बस अच्छे से लग जाए। प्लीज़ दोस्तों, मेरा